देखो फुल फ्लेज यही लेआउट आपका चेक होगा और फिर आपको उसके बाद उसका टास्क भी दिया जाएगा और फिर हम देखेंगे हम किसी और लेआउट पे मूव करेंगे। और अगर आप ये लेआउट बना लेते हैं तो आई एम प्रीटी कॉन्फिडेंट कि आप काफी कुछ सीख जाएंगे, एटलीस्ट आप बेसिक से आगे निकल जाएंगे और आप इंटरमीडिएट लेवल पे आ जाएंगे, तो फिर हम इंटरमीडिएट एडवांस चीजें उसके बाद करेंगे। व्हाट वी हैव टू स्टार्ट टुडे इज यस्टरडे वी वर फेसिंग अ प्रॉब्लम, और ये प्रॉब्लम आया था हमें एक प्रॉब्लम सॉल्व करने के बाद। हमने एक प्रॉब्लम क्या था कि ये सारे के सारे जितने भी हमने कार्ड्स बनाए थे वो सारे एक ही लाइन में आ रहे थे, लेकिन द प्रॉब्लम वॉज दैट कि जब हम कार्ड को इंक्रीज करते थे तो वो एग्जिस्टिंग कार्ड्स को क्या करता था, श्रिंक कर देता था। तो व्हाट वी डिड वॉज कि हमने फ्लेक्स रैप, रैप की नई प्रॉपर्टी पढ़ी है, तो उससे ये होता था कि मैंने कल रैप का मतलब बताया था कि जब भी ये अपनी एक्सट्रीम विड्थ तक पहुंच जाए तो जितनी भी एक्स्ट्रा चीज़ें हैं उनको उठा के क्या कर दे, नीचे फेंक दे। अब ये तो काम ठीक था, लेकिन उसकी वजह से एक और मसला आ गया। मसला ये आ गया कि हमें चाहिए एक लाइन में चार, अब आ रहे हैं तीन, पर तीन क्यों आ रहे हैं ये भी प्रॉब्लम कल बता दिया था कि आगे जगह है लेकिन चूंकि बीच में मार्जिन भी था तो मार्जिन की वजह से उसको अपनी मर्जी की या अपनी विड्थ जितनी उसको चाहिए वहां पियर होने के लिए वो उसको नहीं मिल पा रही। बहुत सारे तरीके हैं, उनमें से एक तरीका ये है बड़ा सादा सा और सिंपल सा कि हमने सीएसएस में मैं लेट सपोज उस पॉइंट तक पहुंचता हूँ, ये जो कार्ड है ना ये पूरा, इस कार्ड को मैंने यहाँ पे रखा हुआ था, दिस इज वीडियो कार्ड, गॉट इट, और ये जो वीडियो कार्ड है इसको मैंने विड्थ दी हुई थी 25%, और मसला विड्थ से नहीं था, मसला मार्जिन से था। तो हमने क्या करना है, समहाउ इस मार्जिन को हम हटा भी नहीं सकते, बिकॉज हटाएंगे तो क्या होगा, एक लाइन में तो आ जाएगा लेकिन दूसरा मसला खड़ा हो जाएगा कि बीच में स्पेसिंग नहीं है या गैप्स नहीं है। सो वी नीड द गैप्स टू एंड वी नीड ऑल दोज फोर इन द सेम लाइन टू, सो दीज आर द प्रॉब्लम्स। मैं क्या करूंगा, विड्थ कम कर दें। सादा तरीन और आसान तरीका यही है कि आप विड्थ को 25 के बजाय क्या कर लें, 24 कर लें। तो 24% का मतलब मैं आई एम गेसिंग स्टिल आई एम नॉट एग्जैक्टली श्योर कि वेदर इट वुड इट बी अ गुड और नॉट। तो 24% विड्थ की, तो उसने क्या किया, 24 24 24 और 24, तो चार पिक्सल जो है वो बच गए, तो जो बीच में 6 पिक्सल का मार्जिन है वो बेसिकली उसने एडजस्ट कर लिया। इससे भी एक और तरीका है, वैसे तो ये ठीक है, मतलब आप इसे बिगिनिंग में, बिगिनर्स के लिए तरीका ठीक है, आप इसे करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन मैंने एक नई प्रॉपर्टी भी बतानी है और एक नया सीएसएस का फीचर भी बताना है, तो इसलिए मैं ये तरीका अडॉप्ट नहीं कर रहा। तो व्हाट आई कैन डू इज, हम कहीं भी किसी भी जगह पे सीएसएस की एक सीएसएस का फंक्शन यूज कर सकते हैं जिसे हम कहते हैं कैल्क, और इस कैल्क का मतलब यह है कि कैलकुलेट करो। अब मैं किसको कैलकुलेट कर रहा हूँ, मैं कहता हूँ जी 25% यानी जो विड्थ है वो फिक्स 25% ना दो, बल्कि कैलकुलेट करो 25% माइनस सम पिक्सल्स। क्योंकि बेसिकली हो क्या रहा था कि 25% विड्थ में जो पिक्सल्स हैं वो क्या हो रहे थे, ऐड हो रहे थे, एंड ओवरऑल विड्थ वाज बिकमिंग लार्जर एंड इट वाज difficult for this particular section to basically come into that single line. तो मैंने क्या कहा कि वो जो pixels add हो रहे हैं ना width के अंदर, तो हम calc का function use करके, अब मुझे नहीं पता कि 12 add हो रहे हैं, कितने add हो रहे हैं, मैंने just value दी कि 12 pixels से minus कर दो if it works or not, तो हम इसको vary कर सकते हैं ऊपर नीचे, लेकिन 25% width में से 12 pixels क्या कर दो, minus कर दो। So if I now come back and clear, it is working as well. So instead of in fact giving it a 24% or something like that, aap isko different value deke dekhne, agar 6% minus kare ya 6 pixels minus kare, that's not working. So kyunki 6 left 6 right hai, to main 12 pixels jo maine diya usne ye kya kar liya, adjust kar liya. Ye dono tarike available hain. Batane ka maqsad sirf ye tha ki ye calc sometime aisi jagahon pe hum stuck ho jate hain jahan pe hame kuch cheezon ko dynamically calculate karna padta hai, to hum calc ki calc ka function use kar sakte hain kisi bhi property mein बतौर वैल्यू, फॉन्ट साइज देना हो, किसी की विड्थ देनी हो, किसी की हाइट स्पेसिफाई करनी हो, या कोई और चीज करनी हो। सो यहां तक क्लियर हो गया जी। अब मैंने कल ये कहा था कि हमने यहाँ पे स्टैटिक इमेज दिया हुआ है। नॉर्मली यूट्यूब भी क्या करता है, जब आप यूट्यूब की वीडियो अपलोड करते हैं तो वो आपको थंबनेल मांगता है कि आप थंबनेल अलग अपलोड करते हो, वीडियो अपलोड अलग करते हो। तो अगर तो आप भी इस तरह का कुछ सीन चाहते हो तो ठीक है, आप इमेज अपलोड कर लें, वालेकुम अस्सलाम। और अगर ये नहीं चाहते, तो मैंने आपको वीडियो अपलोड करने का अभी तक एक ही तरीका बताया है,
वो क्या है, आप वीडियो एम्बेड करते हैं, अपलोड नहीं करते, क्योंकि अपलोड जब हम सर्वर पे वीडियो करते हैं तो हमारा सर्वर वीडियो हाईली ऑप्टिमाइज तो नहीं होता, तो हम प्रेफर करते हैं कि अपने सर्वर पे वीडियो अपलोड ना करें, क्योंकि उसमें फिर बैंडविड्थ और बाकी बहुत सारे लांजे खुल जाते हैं। हम अब कोशिश करते हैं कि डिज़ाइन हमारा तैयार हो चुका है, लेआउट इज ऑलमोस्ट रेडी, बट इंस्टेड ऑफ इनफैक्ट कीपिंग ऑन दिस सिंगल इमेज और सिंपल इमेज, वी वॉन्ट टू पिक द वीडियोज फ्रॉम द यूट्यूब। उसमें नुकसान क्या हो सकता है, पॉसिबल पोटेंशियल प्रॉब्लम क्या हो सकता है, क्योंकि मैंने जो डिजाइनिंग की है ये किसके हिसाब से की है, इमेज के हिसाब से की है, तो जब मैं वीडियोस यूट्यूब के से लाऊंगा तो क्या होगा, वो आई फ्रेम होगा, मे बी थोड़ी सी मुझे डिजाइनिंग की रीएडजस्टमेंट करनी पड़े, बट वी कैन डू दैट वंस वी आर डन विद इट। सो लेट्स कम बैक। मैं ये सपोज करता हूँ कि मैं अपना यूट्यूब का चैनल अपनी साइट पे एम्बेड कर लूँ सारी वीडियोज को बारी बारी, मैं क्या करूंगा, सारे कार्ड्स को रिमूव करके सिर्फ एक छोड़ूंगा, क्योंकि जाहिर है एक को एडजस्ट कर लूं फिर उसी को उसी तरह रेप्लिकेट कर लूंगा। ठीक है, सो लेट्स कम बैक हियर एंड दिस वन, ये एक वीडियो कार्ड छोड़ता हूं, बाकी सारे वीडियो कार्ड्स को क्या कर देता हूं, खत्म। कमेंट्स का और कोड को फॉर्मेट रखने का ये फायदा होता है कि आपको कोई भी चीज अपडेट डिलीट करते वक्त कहीं भी कोई मसला नहीं आएगा। सो नाउ आई एम बैक विद द वन सिंगल वन। ओके, सो नाउ इफ आई एम गोइंग टू माय अनदर चैनल व्हिच इज सुपर लर्निंग, वैसे आप कुछ भी कर सकते हैं, मैं जस्ट कंसिस्टेंसी के लिए, क्योंकि सारे थंबनेल्स एक जैसे हैं तो जरा अच्छे लगेंगे। सो व्हाट आई नीड टू डू इज आई जस्ट हैव टू शेयर दिस, एम्बेड दिस एंड जस्ट कॉपी दिस एंड कम हियर, इंस्टेड ऑफ एन इमेज ओवर हियर व्हाट वी नीड इज दिस। ठीक, एंड इफ आई नाउ कम बैक, hit refresh, that's pretty much like this and it is unexpected kyunki maine shayad us image ke jaye avatar pe laga diye so that's my bad, let's come back and let's bring it right in here, if I refresh it apparently you can understand it goes out of the parent kyunki parent ki width kitni thi 25% then apparently it does look it goes outside it, to main kya karunga simply jahan ye video card image lagaya hai na isko search kare aur iske andar iframe image ke bajaye kya kare, ye dekhiye video card image tha na, to ab is image ko kya kar de iframe, clear, to ye image ke bajaye iframe ko 100% width dega, jab maine yahan 100% width de di तो क्या यहाँ फिर विड्थ का ताल्लुक या विड्थ जरूरत है, मेरे ख्याल में नहीं है, बट इट, तो मैं इसको यहाँ से भी हटा दूँ, हाइट को फिलहाल रहने देता हूँ, मैं चेक कर लूंगा, अगर मसला हुआ तो फिर हम हाइट को भी रिमूव कर, ठीक, हाइट भी हटा देंगे। उसकी वजह यह है कि अभी वो आपको लग रहा है कि वो पूरी नहीं अपीयर हो रही, क्योंकि मैंने उसको पाबंद किया हुआ है कि आप हाइट मेरी मर्जी की दो, जो कि विच इज नॉट आई मीन राइट। सो लेट्स गिव इट लाइक दिस और लेट इट टेक इट्स ऑन विड्थ एंड हाइट। लेकिन अगर आपको लगता है कि ये तो बदा सा लग रहा है, मतलब मेरी चॉइस का नहीं लग रहा, तो फिर मजबूरन आपको हाइट देनी पड़ेगी, और कितनी हाइट देनी पड़ेगी, वो 315 तो बहुत ज़्यादा हो गई थी, सो लेट्स मेक इट बिट ऑफ लाइक 315 के बजाय हम इसे क्या देते हैं 200, सो लाइक स्टिल इट लुक्स गुड नाउ, एटलीस्ट वो पूरा आ गया थंबनेल। यहां तक ये बात क्लियर हो गई,
बस और क्या क्लियर करनी है, दैट्स इट। आप इसको कस्टम टाइटल दे दें। YouTube में एक तरीका है कि आप सारी चीजें YouTube से पिक कर लें, टाइटल भी YouTube से आए, जो व्यूज हैं वो भी YouTube से आए, जो ऑथर नेम है वो YouTube से आए, और जो अवतार है वो भी YouTube से आए। इसके लिए आपको एक तरद्दुद करना पड़ता है जो नॉर्मली हमारे इस कोर्स के स्कोप से ही आउट है। हमें YouTube की डेटा API यूज करनी पड़ती है। अगर आप में से किसी को भी पता है या कभी सुना है कि API क्या होता है, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, तो आपको पता होगा या पता लग सकता है या समझ लग सकती है। अगर नहीं पता तो दैट्स नॉट द स्कोप ऑफ फ्रंट एंड डेवलपमेंट, एटलीस्ट यू नो द सम बेसिक्स ऑफ बैक एंड एज वेल, बट फॉर नाउ इट्स ओके। क्लियर? अब आप सेम इसी काम को रिपीट करके सिर्फ आई फ्रेम का क्या कर दें, सोर्स चेंज कर दें, तो यू कैन हैव अ बेटर वे ऑफ लाइक राइट हर वीडियो का जाके क्या चेंज कर दें आप सोर्स। मिसाल के तौर पे मैंने पहली वीडियो लगाई है, दूसरी पे आके इसको शेयर करें, एम्बेड करें, और सिर्फ यहां से क्या उठा लें, HTTPS यानी सोर्स। ठीक, बाकी चीजें तो सेम ही रहेंगी। तो यहां पे आके किधर है, पहली, दिस वन इज फर्स्ट, दिस वन इज सेकंड। इसके अंदर आगे सिर्फ और सिर्फ आप क्या चेंज कर दें, दिस दिस यू सी, दिस इज वन, दिस इज टू, एंड सो ऑन एंड सो फॉर। हाँ, सम टाइम आप किसी और चैनल की वीडियो एम्बेड करेंगे तो कुछ चैनल्स ने अपने वीडियो की एम्बेडिंग फैसिलिटी को डिसेबल किया होता है। आई होप हमने देखा था कि अगर तो उस चैनल ने अपनी वीडियो के एम्बेड फीचर को डिसेबल नहीं किया होता तो वो शो हो जाएगी, अदरवाइज नहीं शो होगी। ठीक है, नॉर्मली पता है क्या होता है, ये बहुत बड़ा बिजनेस है कि अगर सारे चैनल अपने वीडियो एम्बेडिंग की फैसिलिटी दे देना, तो आप किसी वीडियो उठा के अपनी वेबसाइट पे डाल के ट्रैफिक अपनी वेबसाइट पे ड्रॉ कर लें, यानी आप सारी मूवीज की कलेक्शन इकट्ठी कर लें अपनी वेबसाइट पे और लोगों को अपनी वेबसाइट की तशहीर करना शुरू कर दें कि आई डू हैव ऑल द मूवी कलेक्शन ऑन माई वेबसाइट, यू कैन विजिट। और एक्चुअली जब आप अपनी वेबसाइट पे हैं तो लगे हुए आई फ्रेम, आपकी वेबसाइट की तो तस्वीर हो गई ना। बेसिकली आपकी वेबसाइट पे जितने ज्यादा विजिटर्स होंगे, आपको पता है आपकी वेबसाइट भी मोनेटाइज हो सकती है यूट्यूब चैनल की तरह। लोग ब्लॉग से लाखों रुपए कमा रहे हैं सिर्फ इस चीज का कि उनकी वेबसाइट पे ट्रैफिक आ रही है, तो ये इट कैन बी अ बिग ट्रैफिक सोर्स अगर हर बंदा अपनी वीडियो की एम्बेडिंग को अलाउ कर दे। अब हमारी वीडियो में कोई इतनी बड़ी रॉकेट साइंस है ही नहीं, तालीम तो वैसे भी हमारी प्रायोरिटीज में शामिल ही नहीं है, तो इसको कर भी देखो एम्बेड दो, इधर किसने आना है। पर जहां को बंदा सुनता है ना, नाम पढ़ने वाली चीज, छोड़ो परे यार, यूट्यूब पढ़ने के लिए थोड़ी होती है। लेकिन जिन लोगों की पोटेंशियल ऑडियंस ज्यादा होती है या होने के चांसेस होते हैं, तो वो अपनी वीडियोस को नॉर्मली रिस्ट्रिक्टेड रखते हैं। एनीवेज, बट दिस इज समथिंग व्हिच इज द प्रायोरिटीज, ऑब्वियसली वी आर टॉकिंग अबाउट द डिजाइन फॉर नाउ। तो अब हम यूं YouTube की एक पूरी, और इसकी बेहतरीन चीज़ ये भी है कि यहाँ पे आप लेट सपोज उसको रन भी कर सकते हैं, इसको यहाँ पे फुल स्क्रीन भी कर सकते हैं, इसको एज इट इज जितने फीचर्स YouTube देता है वो। तो अगर आप YouTube के लेवल का कोई चैलेंजिंग प्लेटफॉर्म बनाना चाहते हैं, तो फिर आप वीडियोस को YouTube पे होस्ट नहीं करेंगे, फिर आप पेड सर्विस होती हैं, क्लाउड होस्टिंग सर्विसेज होती हैं, फिर आप अपनी वीडियोस को उन होस्टिंग सर्विस पे देंगे, और फिर आप पूरा का पूरा YouTube की तरह का बिजनेस मॉडल खड़ा कर सकते हैं अगर आप में दम और साह है तो। फिर आपकी ट्रैफिक YouTube की तरह सारी ट्रैफिक आपके पास आएगी, आप अपनी मोनेटाइजेशन पॉलिसीज बना सकते हैं आपके प्लेटफॉर्म पे, जो लोग मतलब व्हाट कैन नॉट बी अचीव्ड। तो ये क्लियर हो गया। मेरा YouTube का डिजाइन या लेआउट मेरे हिसाब से कंप्लीट हो गया। दो केस में बहुत सारी चीजें रहती हैं, लेकिन ऑब्वियसली आपको एक लेआउट कैसे बनाना है फुल फ्लेज, स्टार्टिंग फ्रॉम द स्क्रैच गोइंग टिल द लास्ट पॉइंट, तो ये आपको अब समझ आ गया। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन है तो वो बता दें, अदरवाइज वी आर गुड टू गो टू से बाय टू इट। किसी को कोई इश्यूज नहीं है? हमारे पास वेबसाइट पे मेन्यू बार है ना, जब हम यूट्यूब पे हम स्क्रॉल करते हैं तो मेन्यू बार में इस ठीक है।
बिल्कुल, अगला टॉपिक ही हमारा यही है बेटा। बिल्कुल बिल्कुल, राइटली पॉइंटेड आउट। अगला टॉपिक ही हमारा यही है, पोजीशंस के बारे में, कि हमने पोजीशन पढ़नी है। आप, यू आर टॉकिंग अबाउट दिस, दिस इज टेकिंग एट अ पर्टिकुलर पोजीशन, आर्स इज नॉट। हमारे दोनों चीजें बयक वक्त मूव कर रही होती हैं, दिस इज समथिंग दैट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट नेक्स्ट। इसका ताल्लुक पोजीशन से रिलेटेड है, पोजीशन की वैल्यू होती है, फिक्स है, रिलेटिव है, एब्सोल्यूट है, स्टिकी है, तो जस्ट होल्ड ऑन फॉर आर। अच्छा, जहां आपने सवाल किया ना, तो मैंने भी एक चीज नोट की है। आई हैव ओपन द वीडियो, लाइक मैंने ये वीडियो ओपन की और ये वीडियो चल रही थी, तो मैं विजिट किया इस पेज पे, तो वो जो अभी नहीं आई, वो जो वीडियो चल रही है वो राइट बॉटम पे आके स्टिक हो जाती है। नोट किया था पहले या नहीं किया था? लेट मी ट्राई इट सम वंस अगेन, कि शायद वो दोबारा वही डेमो दे दे। मैंने एक वीडियो प्ले की लाइक दिस वन, अब ये वीडियो चल रही है और मैं इसको यहाँ टॉक करने का, लेट मी शो यू, ये वाला, यस यू आर राइट। तो अब बाकी सारा कुछ स्क्रॉल कर रहा है, इसका सब इस ताकि इसका ताल्लुक भी उसी सवाल के साथ है जो आपने किया। बाकी सारा कुछ स्क्रॉल कर रहा है, ये स्क्रॉल नहीं कर रहा, ये इधर स्टिक हुआ हुआ। और सिर्फ यही नहीं, ये फिर आपने बात करके सारा बुआ खोल दिया, फिर बाकी चीजें भी देख लें इसी से रिलेटेड। आई डू हैव सो मैनी अदर वेबसाइट्स ऑन विच आई कैन हैव द सिमिलर थिंग। लाइक आपने अक्सर ऑनलाइन शॉपिंग की होगी, तो अली एक्सप्रेस तो देखा ही होगा आपने। ठीक है, तो अली एक्सप्रेस में अगर हम जाएं, तो लाइक कैन यू सी दिस, बाकी सब कुछ स्क्रॉल कर रहा है, लेकिन ये भी नहीं स्क्रॉल कर रहा है, ये भी नहीं स्क्रॉल कर रहा है, ये भी नहीं स्क्रॉल कर रहा है, और ये भी नहीं स्क्रॉल कर रहा। गेटिंग इट? और इसको भी मैं क्लोज कर दूं, इसको भी कर दूं, इसको भी कर दूं, तो अब ये राइट वाली पट्टी इधर ही खड़ी है, बाकी सब कुछ स्क्रॉल कर रहा है। अच्छा, ना सिर्फ ये, अच्छा जी, दराज को ले लेते हैं। अभी एक दो रियल स्टेट की वेबसाइट से मेरे जहन से वो निकल गया उनका नाम, वो भी बड़े, हाँ, ब्लू वर्ल्ड सिटी है। और वेयर इज दैट, दिस वन, नॉट इंटरेस्टेड। ये देखें, सब कुछ हो रहा है, बट दिस इज बेसिकली स्टिक टू दिस, ये यहीं पे स्टिक हुआ हुआ है, और ये बिल्कुल बॉटम पे, गॉट इट। और इसमें एक और चीज दिखाना चाह रहा था, वो नहीं अपीयर हो रही, पता नहीं क्या, जब कुछ चीज दिखाना चाहते हैं तो नहीं है। हाँ, यहाँ देख ले, सब कुछ अपीयर हो रहा है, आई मीन मूव हो रहा है, ये चीज यहीं पे स्टिक है, दो विजुअल टूर और कॉल टू एक्शन बटन। सिमिलरली ये चीज यहीं पे स्टिक हुई भी है। ठीक, तो ये सिर्फ यूट्यूब पे नहीं, ये बहुत सारी चीजों पे आप ऑब्जर्व करेंगे, और आई वॉन्ट यू इनफैक्ट, तो आप हर इस तरह की चीज को क्रिटिकल लुक से देखें और आप क्यूरियस हो, यार ये कैसे होता है, ये मैं क्यों नहीं कर सकता ये? तो आर नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट द पोजीशन, सो लेट्स टॉक अबाउट देम। यहां तक ये क्लियर हो गया? मैं ये चाहता हूँ कि मेरी यूट्यूब पे यहाँ पे या तो वो हो जाए उसी तरह की छोटी सी विंडो स्टिक हो जाए, ताकि हम बाकी स्क्रॉल अप स्क्रॉल डाउन भी करें वो ना हो, ठीक, या फिर मैं उसी तरह के कॉन्टेक्ट बार या लेफ्ट राइट से जगह पे कहीं भी। तो जब हमें एक चीज करनी आ जाएगी, तो फिर हम उसको कहीं भी आगे चल के कर सकते हैं, किसी भी यूज केस में अप्लाई कर सकते हैं। तो पहले मुझे ये बताएं कि यहाँ तक सबको क्लियर है, और ये लेआउट मैंने चेक करना है आपका मंडे को। और एक बात मुझे अभी बता दें कि इसके ये कॉस्मेटिक्स मैं करूं या आप करेंगे। लाइक आई नीड दिस काइंड ऑफ थिंग, इमेज ऑन द लेफ्ट साइड, टेक्स्ट ऑन द सेंटर, आइकन ऑन द राइट साइड। यानी इस लिस्ट में, ये लिस्ट तो मैंने बना दी ना, ये लिस्ट आपने खुद बनानी है इस तरह की, इमेज इन द सर्कल ऑन द लेफ्ट, टेक्स्ट इन द सेंटर, आइकन ऑन द राइट। समटाइम ये है कि आप चूंकि बिगिनर्स हैं, एग्जैक्ट सिमिलर आइकन ना भी मिले उसके करीब तरीन ले ले कोई, लेकिन कोशिश करेंगे जितना करीब जा सकते हैं जाए। फिर यहाँ इसी तरह, फिर यहाँ इसी तरह, फिर यहाँ इसी तरह। दूसरी चीज यहाँ पे क्या रह गई है जिन पे मैंने तो, अच्छा हाँ, समटाइम एक इंपॉर्टेंट चीज, समटाइम आपको इस तरह की चीजें दिखती हैं,
मैं जिस पे क्लिक करता हूँ उसका कलर चेंज हो जाता है और बाकियों का कलर चेंज है। नॉर्मली वेब की टर्म में इसको हम कहते हैं एक्टिव, यानी जो भी बटन करंटली सिलेक्टेड होता है उसको हम क्या कहते हैं, एक्टिव। और इसको करने का क्या तरीका होता है, सिंपली सिंपली आप CSS में जाते हैं, नॉर्मली देखें आपका ये टैग था, हमने इसको टैग का नाम दिया हुआ था, ठीक है। जब मैं इस पर क्लिक करूंगा या इनफैक्ट इसको इंस्पेक्ट करूंगा और इसको मैंने सिंपली क्या दिया होगा, कहीं ना कहीं बैकग्राउंड कलर दिया होगा, ठीक। तो मैं क्या करता हूं, ये किसको बैकग्राउंड दिया हुआ है, LI को। तो मैं यहां पे जाके CSS में एक जेनेरिक क्लास बना लेता हूँ .ACPIVE एक्टिव, ठीक। और इसको मैं दे देता हूँ BGC 222, बैकग्राउंड ये, और कलर इज गोइंग टू बी वाइट। जिस भी डिव को ये क्लास लगी होगी उसको ये दो एट्रीब्यूट्स असाइन हो जाएंगे। तो मैं इस एक्टिव की क्लास को किधर जाके दूंगा, एक वक्त में एक ही एक्टिव होता है ना, सारे तो नहीं होते, तो मैं जाके ये मेरे टैग्स हैं, यही है मैं इनको, हाँ टैग्स बार में, इसके अंदर जिसको मुझे एक्टिव करना होगा, लेट सपोज इसको एक्टिव करना है, तो मैं इसको जाके क्लास क्या दे दूंगा। अब जिस पे एक्टिव की क्लास लगी होगी उस पे दो स्टाइल्स एडिशनल आने चाहिए, ठीक है, नहीं आ रहे। मैंने किसको दिए, NUMQUAM, इसको दिए क्लास एक्टिव, ठीक, वो अप्लाई नहीं हुई। लेट्स चेक व्हाई, क्या आप ये देख रहे हैं कि मैंने एक्टिव की क्लास दी है तो ये उसको कट करके दे रहे हैं। अक्सर ये होगा, आपको भी देखने को मिलेगा। अजान हो जाए तो फिर हम कंटिन्यू करते हैं मेरे ख्याल। अच्छा, तो ये अक्सर आपको प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ेंगे। मैंने क्लास दी है एक्टिव किसको, LI को। अब LI पे दो तरह के स्टाइल्स हैं, एक जो LI के टैग पे इंप्लीमेंट हुए हैं और दूसरे जो उसी LI के क्लास पे इंप्लीमेंट हुए हैं। कैन यू सी दिस, यानी मैंने ये LI टैग सेलेक्ट किया हुआ है, इस पे दो तरह के स्टाइल्स अप्लाई हो रहे हैं। एक वो स्टाइल जो UL स्पेस LI, ये सारे अप्लाई हो रहे हैं, और दूसरे मैंने उसी चीज को क्लास देके दोबारा स्टाइल अप्लाई किए। तो जो स्टाइल्स बाद में आने चाहिए उनको पहले वाले को क्या करना चाहिए, ओवरराइड करना चाहिए ना। ये एक्टिव का स्टाइल सबसे एंड पे लिखा हुआ है, गॉट इट। तो इसका मतलब है इस स्टाइल को ऊपर वाले स्टाइल को ओवरराइड करना चाहिए था, नहीं कर रहा। ये प्रॉब्लम हमें पहली दफा आया है। इसको हम कहते हैं CSS selectors specificity, CSS selector specificity। अच्छा, specificity याद नहीं रहता तो सिर्फ एक बात याद रख ले कि अगर एक ही टैग को क्लास के साथ सेलेक्ट किया जाए या टैग नेम के साथ सेलेक्ट किया जाए तो ज्यादा प्रायोरिटी किसको होगी, टैग नेम सेलेक्टर को या क्लास नेम सेलेक्टर को। इस केस में हमें क्या दिख रहा है, किसको प्रायोरिटी मिल रही है, टैग नेम को प्रायोरिटी मिल रही है। हम चाहते हैं कि हम टैग नेम के बजाय क्लास को प्रायोरिटी दें, किसको प्रायोरिटी दें, क्लास को प्रायोरिटी दें। तो हम क्या करेंगे, सिंपल इसी के आगे जहां ये स्टाइल एंड होगा वहां एक्सक्लेमेशन मार्क क्लिक के
IMPORTANT क्या लिख दिया मैंने, इंपॉर्टेंट। अब इसने किसको प्रायोरिटी दी, जिसके साथ मैंने इंपॉर्टेंट लिखा। जब किसी के साथ इंपॉर्टेंट लिख देंगे तो पावे जो मर्जी हो, बाकी कहीं भी कुछ लिखा हो, इंपॉर्टेंट वाला सबसे टॉप प्रायोरिटी देगा, बिकॉज हमने खुद एक्सप्लिसिटली मेंशन कर दिया कि यार दिस इज द इंपॉर्टेंट। ठीक, अब एक मसला तो हल हो गया, दूसरा खड़ा हो गया, बैकग्राउंड कलर तो हो गया। देखिए ना, एक्टिव क्लास का बैकग्राउंड कलर डार्क है और टेक्स्ट कलर क्या है, व्हाइट है। तो यहाँ पे टेक्स्ट कलर व्हाइट नहीं हुआ, हालांकि मैंने कलर व्हाइट दिया हुआ है। ऐसा कोई बता सकते क्यों? नहीं नहीं, अगर वो मुझे कब पता था, वो इस पे लाइन आ जाती है, जब स्ट्राइक थ्रू आ जाए ना, तो इसका मतलब ये है कि कोई और इससे ज्यादा प्रायोरिटी वाला मौजूद है। जैसे देखे ना, मैं इंपॉर्टेंट नहीं लिखता तो स्ट्राइक थ्रू आ जाएगा, इस पे स्ट्राइक थ्रू आ गया। एक मिनट, पहले ये समझा दो, इस पे स्ट्राइक थ्रू का मतलब क्या है, कि यही स्टाइल इससे ज्यादा प्रायोरिटी वाले सिलेक्टर को मिला हुआ है, तो मैं इंपॉर्टेंट करके, तो नीचे वाले में तो ये नहीं है, उसमें तो स्ट्राइक थ्रू है ही नहीं, फिर कलर क्यों अप्लाई नहीं कर रहा। ये चीजें समझने वाली हैं, यानी आपको तंग ना करें बाद में, इसलिए मैं बड़ी डिटेल से एक्सप्लेन कर रहा हूं। एक कलर की प्रॉपर्टी किसको दे रहा हूं मैं, एलआई को। एलआई टेक्सचुअल एलिमेंट नहीं है, एंकर टेक्सचुअल एलिमेंट है। टेक्स्ट किसके अंदर है, एंकर के अंदर है, एलआई के अंदर डायरेक्ट। तो मुझे कलर की प्रॉपर्टी किसको देनी चाहिए, एंकर को, ना के, मेक सेंस। तो मैं क्या करूंगा, इसी को ये करके कि एक्टिव के अंदर जो भी एंकर है उसको कलर दे दो व्हाइट। समझ आ गई? एंड इफ आई नाउ क्लिक ऑन दैट, अब वो जो मैंने स्टाइल दिया था ना, यहाँ इंपॉर्टेंट यहाँ लिखा था ना, वो तो टेम्पररी था, मुझे इसको वहां भी जाके इंपॉर्टेंट करना है। सो मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट। अच्छा, कलर जो व्हाइट है वो अभी भी व्हाइट नहीं हुआ, कोई बता सकता है अभी क्यों नहीं व्हाइट? अच्छा, कोई भी चीज देखनी हो तो सबसे बेहतरीन टूल क्या है, इंस्पेक्ट है। अब मैंने कहा जी मैंने कलर किसको दिया था, एंकर को, अप्लाई नहीं हुआ, तो नीचे देखें जरा नीचे क्या हो रहा है, क्योंकि इसी एंकर को कलर मिला हुआ है, किसको सेलेक्ट करके, टैग नेम को सेलेक्ट करके, ग्रेट। तो अब उसकी स्पेसिफिसिटी ज्यादा रीड कर रहा है, तो मैं क्या करूंगा यहां पे इसको भी जाके क्या दे दूंगा। तो जब भी स्ट्राइक थ्रू आए तो उसका मतलब कोई और इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट या इससे ज्यादा प्रायोरिटी वाली चीज मौजूद है। नाउ इफ आई कम बैक एंड राइट दिस इंपॉर्टेंट, तो ये कोशिश कीजिएगा आप इंपॉर्टेंट को कम से कम यूज करना, ये ना हो कि एक चीज आपको पता लग गई तो आप इसी को दबाई रखें, चलो जी हर जगह इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट पता लगे जी पूरी सीएसएस में इंपॉर्टेंट ही इंपॉर्टेंट लगा। ठीक है, ये हल जरूर बताया, लेकिन अब आप कहेंगे जी जिस पे क्लिक करूं वो एक्टिव हो जाए, तो वो तो जावास्क्रिप्ट का काम है, इसका काम नहीं है। लेकिन जावास्क्रिप्ट के जरिए हम नॉर्मली क्या कर रहे होते हैं, ये एक्टिव की क्लास एक से हटा के दूसरे पे लगा रहे होते हैं, लेकिन काम यही हो रहा होता है। ठीक, अब बाकी जो मैं आपको बता रहा था कि ये जो कॉस्मेटिक्स हैं यहाँ पे और कहाँ पे है और कहाँ पे है, बाकी तो समझा सब कुछ ही हुआ, नथिंग स्पेशल इन देयर। ठीक, तो मंडे को बेटा ये वाला अच्छा जब भी किसी एक एलिमेंट के ऊपर कोई दूसरा एलिमेंट प्लेस हो रहा हो ना, मिसाल के तौर पे ये एक वीडियो है, तो वीडियो के ऊपर एक ओवरले आ रहा है, तो ये हो जाती है लेयरिंग। लेयरिंग का मतलब ये है कि एक लेयर बैक पे है और एक लेयर उसके फ्रंट पे है। तो मैं अगर आपको थोड़ा सा टाइम मांगू कि मुझे पोजिशन क्लियर करने दें, फिर मैं इसके आता हूँ, तो मुझे दोबारा रिमाइंड करा दीजिएगा, क्योंकि ये काम जब मैं पोजिशन पढ़ा चुकूंगा तो ये आपकी क्यूरी वैसे ही खत्म हो जाएगी, उसमें कवर हो जाएगी। ठीक है, क्लियर है जी यहाँ तक? अब मैं आ रहा हूँ पोजीशन को पढ़ाने। जो दो प्रॉब्लम तो पूछ ली आपने, उनका सलूशन भी और बाकी ओवरऑल इससे अगला टॉपिक भी बेसिकली वही है। मैं पोजीशन को बिल्कुल सेपरेट और बेयर मिनिमल प्रोजेक्ट पे पहले पढ़ाऊंगा,
और फिर उसको आके इसके साथ इंटीग्रेट करके शामिल करूंगा, क्योंकि नॉर्मली जो स्टूडेंट को सबसे ज्यादा ट्रिकी टॉपिक लगता है ना वेब में, वो पोजिशन लगता है नहीं लगता है, और वो इसलिए लगता है कि वो उसको वो ध्यान से देखते सुनते नहीं है. सो लेट्स सी, लेट मी क्लोज दिस. आपका मंडे का ये प्रोजेक्ट है, ठीक है, और लेट मी क्रिएट समथिंग, अ न्यू फोल्डर विच इज कॉल्ड पोजिशन, और यहाँ पे आके मुझे बिल्कुल नए फोल्डर में दो चीज़ें बनानी है. एक बनाना है जी index.html. तो मैंने आपको जवाब दिया ना, आपने देखा मैंने ये जो ब्लू वर्ल्ड सिटी की वेबसाइट ओपन की थी तो उसमें भी जो नीचे वाली चीज़ स्क्रॉल कर रही थी ऊपर वाली स्टिक थी, तो वो भी बेसिकली क्या है, लेयरिंग ही है. एक चीज़ बैक पे है, दूसरी चीज़ क्या है, यानी मल्टीपल लेयर्स इन्वॉल्व हो जाती हैं. जो मैंने आपको अली एक्सप्रेस पे दिखाया ना, जब शुरू में खुलता है तो वो पॉपअप हो जाता है पूरी स्क्रीन पे डिम कलर का, तो ये लेयर आगे आ जाती है और पिछली लेयर जो है वो अपनी जगह पे मौजूद रहती है. तो ये आपका सवाल और आपका सवाल मोर और लेस मिलते जुलते हैं. तो ये अभी सोल्यूशन कराने लगा हूँ, इससे आपको अफाका मिलेगा. सो मैंने एक इंडेक्स बना ली और एक स्टाइल डॉट सी एस एस बना ली, जस्ट द वे आई हैव बीन डूइंग प्रीवियसली. तो मैंने इसको ये किया और यहाँ पे मैंने सी एस एस की स्टाइल शीट को लिंक कर दिया लाइक दिस. ठीक, मैंने एक बॉक्स बनाया. आपको पता है कि हम हर चीज पहले बॉक्स के साथ पढ़ते हैं और फिर जरा उसको हम कॉम्प्लिकेट करते हैं. सो मैंने इस बॉक्स को स्टाइल देने के लिए यहाँ जाके ये कर दिया. अब मैंने इस बॉक्स को देखने के लिए या विजिबिलिटी के लिए इसकी 500 पिक्सल्स विड्थ दे दी और इसकी 500 पिक्सल्स ही हाइट दे दी, और जस्ट टू व्यू इट ऑन द व्यू पोर्ट आई हैव गिवन इट अ रेड कलर. सो लेट मी ओपन इट अप, दिस इज द बॉक्स. ठीक, आपको व्यू पोर्ट और डॉक्यूमेंट में फर्क तो पता है ना. व्यू पोर्ट क्या होता है, ये जितना भी करंटली विजिबल एरिया है, और डॉक्यूमेंट क्या होता है, इस केस में यही डॉक्यूमेंट है यही व्यू पोर्ट है. अच्छा, डिफरेंस क्या होता है, अगर मैं यहाँ पे कुछ ज्यादा सारा कंटेंट डाल दूं, स्क्रॉल क्रिएट हो गया, तो ये जो करंट विजिबल पार्ट है ना आपके सामने, ये क्या है, व्यू पोर्ट है. लेकिन अगर मैं इसे स्क्रॉल करके ऊपर से नीचे तक सारा का सारा एरिया इसको कवर करूं तो ये क्या है, डॉक्यूमेंट. अगर स्क्रॉल ना हो तो वही व्यू पोर्ट है, वही डॉक्यूमेंट है. समझ आ गई बात. अब सवाल ये है कि मैं लेयरिंग करना चाहता हूं. लेयरिंग का मतलब ये जो रेड कलर का बॉक्स है इसको ऊपर लाना चाहता हूं और जो टेक्स्ट लिखा हुआ है इसको पीछे लेके जाना चाहता हूं, एक चीज. दूसरी चीज, साइमल्टेनियसली इस लेयरिंग में ये भी कवर हो जाएगी जो मैंने आपको बताया था कि इस चीज को यहाँ स्टिक कर दें कि वो हमेशा रेड बॉक्स यहीं पे रहे राइट साइड पे, जैसे चैट बॉक्स है. बाकी हम स्क्रॉल या मूवमेंट करें भी तो ये रेड वाला बॉक्स मूव ना करे. समझ आई बात. मैंने दो प्रैक्टिकल्स के सिनेरियो भी बता दिए आपको. ये काम अचीव करने के लिए हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है जिसको हम कहते हैं पोजिशन. वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज, येट पीपल थिंक दे आर ट्रिकी बट दे आर एक्चुअली नॉट. ठीक, तो आप मुझे ये पढ़ने के बाद बताएंगे कितनी ट्रिकी है, मुश्किल है या आसान है. मैंने इस बॉक्स को देनी है, अगर मैं इसको दे दूं ना पोजीशन फिक्स्ड. ठीक, अब जब मैं इसे पोजीशन फिक्स दी है तो ये मुझसे कुछ अजीब सा बिहेवियर देगा, देखिएगा. गाइब, दैट इज नो मोर देयर. लेकिन पोजीशन का ये काम नहीं है कि वो उसे गाइब करे. नॉर्मली जब हम किसी भी एलिमेंट को पोजीशन देते हैं, अच्छा उससे भी पहले, पोजीशन से पहले एक और बात सुन ले. हमने ये पढ़ा है कि दो तरह के एलिमेंट्स थे हमारे पास, एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट और एक इनलाइन एलिमेंट. ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स का डिफॉल्ट बिहेवियर क्या था कि दे कम ऑन टॉप ऑफ ईच अदर, या दे अपीयर ऑन टॉप ऑफ ईच अदर, वो साइड बाय साइड नहीं आते, एक दूसरे के ऊपर नीचे आते. इनलाइन एलिमेंट का बिहेवियर क्या था कि दे कम साइड बाय साइड. समझ आई बात. इसको हम कहते हैं ये डॉक्यूमेंट का नॉर्मल बिहेवियर है, ये डॉक्यूमेंट का
तो जब भी आपको कहे कि डॉक्यूमेंट का नॉर्मल बिहेवियर क्या है, तो आप कहेंगे जी कि ऑल द ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स कम ऑन टॉप ऑफ ईच अदर एंड ऑल द इनलाइन एलिमेंट्स कम साइड बाय साइड. ये नॉर्मल बिहेवियर है. जब हम किसी भी एलिमेंट को नॉर्मल बिहेवियर को हम नॉर्मली कहते हैं नॉर्मल डॉक्यूमेंट फ्लो. क्या कहते हैं? तो नॉर्मल डॉक्यूमेंट फ्लो इनलाइन के लिए अलग, ब्लॉक के लिए. जब हम किसी भी एलिमेंट को पोजीशन देते हैं तो वो एलिमेंट जिसको पोजीशन मिली होती है वो डॉक्यूमेंट के नॉर्मल फ्लो से आउट हो जाता है. वो डॉक्यूमेंट के नॉर्मल फ्लो से, चाहे वो इनलाइन है चाहे वो ब्लॉक है, वो अब डॉक्यूमेंट के नॉर्मल फ्लो में नहीं रहता. पहली बात पोजीशन के बारे में. दूसरी बात, जब हम किसी एलिमेंट को पोजीशन देते हैं तो उस एलिमेंट को चार मजीद प्रॉपर्टीज अवेलेबल, उसके लिए अवेलेबल हो जाती हैं, पांच, सॉरी आई रिपीट, जब हम किसी एलिमेंट को पोजीशन देते हैं तो उसकी पांच मजीद प्रॉपर्टीज उसके लिए अवेलेबल हो जाती हैं जो नॉर्मली अवेलेबल नहीं होती. वो पांच प्रॉपर्टीज कौन सी हैं? वो हैं, एक है टॉप, दूसरी है एक टॉप है, दूसरी बॉटम है, तीसरी लेफ्ट है, चौथी राइट है और पांचवी है जी इंडेक्स. ये जो पांच प्रॉपर्टीज है ना, टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट और जी इंडेक्स, ये सिर्फ और सिर्फ उस एलिमेंट को दी जा सकती हैं जिसको पहले क्या मिला हो, पोजीशन मिली हो. अगर किसी के साथ पोजीशन नहीं है तो इन पांचों में से कोई प्रॉपर्टी उसके लिए इस्तेमाल नहीं हो सकती. बस ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखने. पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? किसी भी एलिमेंट को पोजीशन देंगे तो वो डॉक्यूमेंट के फ्लो से आउट, यानी वो बागी हो जाएगा. अब जो बच्चा बागी हो जाए तो उसके लिए उस स्पेशल ट्रीटमेंट की जरूरत होती है. यानी घर से कोई बंदा बागी हो जाए, अब अम्मे की बात ना सुने, तो उसके लिए कोई साइकेट्रिस्ट, कोई साइकोलॉजिस्ट, कोई स्पेशल ट्रीटमेंट की जरूरत होती है. तो जिस एलिमेंट को मैंने पोजीशन दी तो वो क्या हो गया? बागी हो गया, डॉक्यूमेंट फ्लो से आउट हो गया. अब उसको कंट्रोल करने के लिए पांच प्रॉपर्टीज आती हैं. यार वो बागी हो गया तो अब उसका स्पेशल ट्रीटमेंट करना है. मेक सेंस? तो इसलिए ये प्रॉपर्टीज बाकियों के लिए अवेलेबल नहीं होती क्योंकि बाकी तो अपने नॉर्मल डॉक्यूमेंट फ्लो पे होते हैं. अब जरा अगली बात सुनिएगा. जब मैंने इसे पोजीशन फिक्स दी, ये हो गया गायब. मैंने अगर इसको साथ ही दे दी टॉप जीरो, जब वो नॉर्मल डॉक्यूमेंट फ्लो से आउट हो गया तो बाकी हो गया. उन्होंने कहा जी मैं नहीं शो होना होते, तो जो मर्जी कर लो. तो फिर हमने इसका स्पेशल ट्रीटमेंट दिया. हमने कहा जी अच्छा चलो मैं बताता हूँ. यानी उसको नहीं पता डॉक्यूमेंट फ्लो से आउट हो गया तो अब उसको नहीं पता कि मैंने कहाँ अपियर होना है. तो मैंने कहा चलो मैं बता देता हूँ कहाँ अपियर होना है. मैंने कहा टॉप जीरो, कि जो ब्राउजर का टॉप है, टॉप का मतलब बिल्कुल जीरो जगह पे, जीरो पॉइंट पे जाके वहां पे जाके रुको. उसने कहा जी चलो ठीक है, आपने बता दिया तो फिर मैं हो गया. अगर मैं ये ना करता, ये साथ ही रखता और साथ में ये भी कर दूं राइट जीरो, ये कहाँ आ जाएगा? टॉप राइट पे. अब आपने देख लिया कि लेयरिंग ऑलरेडी हो गई है, कि टेक्स्ट पीछे है और रेड कलर का बॉक्स आगे है. अच्छा मैं अगर इसको, यानी इस तरह मैं इसको चारों कोनों में घुमा सकता हूँ, टॉप राइट पे, टॉप लेफ्ट पे, टॉप बॉटम राइट पे, बॉटम लेफ्ट पे. अगर मैं टॉप जीरो की जगह यहाँ पे क्या दे दूँ, बॉटम जीरो दे दूँ, कहा जाएगा? बॉटम राइट पे. ठीक है, और अगर बॉटम लेफ्ट कर दूं तो ये मेरा लेफ्ट पे आ जाएगा. इसका मतलब ये है कि मैंने जिस भी एलिमेंट को पोजीशन दी, अच्छा अभी मैंने पोजीशन की एक वैल्यू यूज की है, पोजीशन फिक्स्ड, इसकी चार पांच वैल्यूज हैं. आप फिलहाल एक ही याद रखिएगा, जब भी मैं किसी को पोजीशन फिक्स दूंगा तो पहला काम वो क्या करेगा? डॉक्यूमेंट के फ्लो से आउट हो जाएगा. गायब होना नहीं कहना आपको, समटाइम ये गायब नहीं भी होगा. आपने गायब होना नहीं कहना, आपने क्या कहना है? डॉक्यूमेंट फ्लो से आउट हो जाना है. तो फिर इसका बिहेवियर नॉर्मल नहीं रहेगा. तो इसको नॉर्मल में लाने के लिए या इसको अपनी मर्जी की जगह पे लाने के लिए फिर हम क्या यूज करेंगे? टॉप राइट बॉटम लेफ्ट. ठीक, अब मैं इसको लेफ्ट में नहीं चाहता, मैं चाहता हूं कि ये सेंटर में हो. तो हम क्या करेंगे? लेफ्ट से इसकी वैल्यू दे दें, 50 पिक्सल्स दे दें, 500 पिक्सल्स दे दें, जितनी वैल्यू देंगे लेफ्ट से उतना पुश कर देगा उसको. ठीक,
अब आप ये भी देख लें कि मैं बाकियों को स्क्रॉल कर रहा हूँ, ये नहीं मूव कर रहा. एंड एग्जैक्टली द सेम वे एज आई डिस्कस्ड इन अदर केसेस. पर अगर इसे राइट पे कर दूं, बॉटम राइट पे, तो ये क्या वही चीज नहीं बन गई जो यूट्यूब की वीडियो है? यूट्यूब की वीडियो इधर ही होती है ना. बाकियों को आप स्क्रॉल करें, ये चीज ऑलरेडी क्या हो गई यहाँ पे, स्टिक हो गई है. ठीक, तो मैंने कहा टॉप, बॉटम, लेफ्ट और राइट. अच्छा, बॉटम और राइट मैंने दिया. अगर मैं इसके साथ एक और काम करूं, बॉटम जीरो दिया, साथ में टॉप भी जीरो दे दूं, क्या होना चाहिए? वैसे टॉप भी जीरो, बॉटम भी जीरो. तो अभी ये क्या कर रहा है, जो प्रॉपर्टी बाद में आ रही है उसको ले रहा है. मतलब टॉप जीरो, बॉटम जीरो भी है लेकिन टॉप जीरो भी है, तो बाद में कौन आ रहा है? ठीक, लेकिन मैं अगर ये काम यहां पे ये कर दूं, हाइट खत्म कर दूं, तो अब देखिएगा अब क्या हुआ. अब ये हुआ कि मैंने इनके हाथ में एक रस्सी पकड़ाई, ये अपनी तरफ खींच रहे हैं, मैं अपनी तरफ खींच रहा हूं. तो मैंने इसको दिया टॉप जीरो, बॉटम जीरो. बॉटम अपनी तरफ खींच रहा है टॉप, तो ये दोनों को खुश करेगा, एक्सटेंड हो गए. यानी अगर दोनों इक्वल जोर लगा रहे हैं तो ये आधा आधा दोनों को हिस्से में रहेगा. एनीवे, तो अगर आपने हाइट नहीं दी भी, तो टॉप जीरो का मतलब टॉप अपनी तरफ खींच रहा है, बॉटम जीरो का मतलब, समझ आई बात? और अगर मैं ये विड्थ भी नहीं देता, राइट जीरो तो हो ही रहा है, लेकिन अगर मैं लेफ्ट जीरो भी कर दूं तो क्या होगा? टॉप अपनी तरफ खींच रहा है, बॉटम अपनी तरफ खींच रहा है, लेफ्ट अपनी तरफ खींच रहा है, राइट अपनी तरफ खींच रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, पूरी स्क्रीन पे स्पैन हो जाएगा. क्लियर? अच्छा, मैं इसकी तरफ वापस आता हूं बाद में, पहले मैं एक और चीज समझा लूं. मैंने बताया पोजीशन की प्रॉपर्टी मुश्किल नहीं है, बस आपने इसको थोड़ा सा ध्यान देना है. अब चार प्रॉपर्टीज मैंने पढ़ा दी, टॉप, बॉटम, राइट और लेफ्ट. आखिरी रह गई इसी इंडेक्स, उसका क्या पर्पज है? लेयर, यानी मुझे इसे पीछे दिखाना है या आगे दिखाना है, टेक्स्ट के बैक पे या टेक्स्ट के? तो ये काम हम करेंगे जी जी इंडेक्स. नॉर्मल अगर इसकी वैल्यू प्लस में देंगे तो ये ऊपर आएगा, माइनस में देंगे तो ये पीछे जाएगा. मैंने दिया -1, टेक्स्ट ऊपर आ गया और ये किधर चला गया, बैक पे. अगर आपके पास मल्टीपल लेयर्स हो तो फिर बिगर वैल्यू दे दें, नेगेटिव में ज्यादा छोटी वैल्यू सबसे पीछे जाएगी और पॉजिटिव में ज्यादा बड़ी वैल्यू क्या आएगी अगर लेयर ज्यादा हो तो. अभी दो ही लेयर थी, एक टेक्स्ट वाली थी और एक बॉक्स वाली थी. यहां तक समझ आ गई बात? किसी को मसला तो नहीं है? सो जी इंडेक्स और टॉप, बॉटम, राइट, लेफ्ट, ये प्रॉपर्टीज तब अवेलेबल होंगी जब पोजीशन होगी. और पोजीशन हमने अभी तक एक पढ़ी है, फिक्स्ड. अगर आप पोजीशन की वैल्यूज देखें ना, तो पोजीशन की वैल्यूज कितनी हो सकती हैं, लेट्स सी. एब्सोल्यूट, फिक्स्ड, रिलेटिव, स्टैटिक, स्टिकी, और ये जो अगली वैल्यू, और इनहेरिट और इनिशियल और अनसेट. बाकी कुछ फंक्शंस हैं, कैल, बार और ये कुछ एडिशनल चीजें हैं, लेकिन जो इसकी वैल्यूज हैं वो यही हैं, या अनसेट, या इनिशियल, या इनहेरिट, या स्टिकी, या स्टैटिक, या रिलेटिव, या एब्सोल्यूट, या फिक्स्ड. तो मैंने सिर्फ क्या पढ़ाई अभी, मैंने जी इंडेक्स खत्म कर दिया, दोबारा ऊपर आ गया. अब मैंने आपको RGBA की फॉर्म में कलर देना बताया था ना, RGB बताया था, रेड, ग्रीन और, तो ये नीचे एक और भी है RGBA. R फॉर रेड, G फॉर ग्रीन, B फॉर ब्लू और A फॉर, तो व्हाट डज अल्फा मीन? अगर रेड भी जीरो, ग्रीन भी जीरो और ब्लू भी जीरो हो, तो ये क्या होता है, ब्लैक कलर. ठीक, अगर मैं सिर्फ ए हटा दूं और अल्फा भी हटा दूं तो ये मुझे ब्लैक कलर मिलेगा.
which is like this. लेकिन ये जो A है ये क्या करता है, एक ट्रांसपेरेंसी को कंट्रोल करता है. अब जरा देखिएगा ट्रांसपेरेंसी क्या है. मैं अगर यहाँ दे दूँ 0.6, ये फुल ब्लैक नहीं रहेगा बल्कि ट्रांसपेरेंट, इसके पीछे से टेक्स्ट दिखेगा. अली एक्सप्रेस में जो ओवरले पॉपअप आया था वो इसी तरह का था ना, ट्रांसपेरेंट, और वो पूरी स्क्रीन पे था, तो पूरी स्क्रीन का तो आप मसला हल हो गया ना. बॉटम राइट टॉप लेफ्ट और विड्थ हाइट खत्म. गॉट इट. यही था अली एक्सप्रेस पे. अच्छा सिर्फ अली एक्सप्रेस पे नहीं था, चला उससे भी बड़े बादशाह भेजे थे. अमेज़न को तो सारे जानते होंगे. ये क्या है, पोजीशन ले रही है ना, मेन्यू के ऊपर दूसरी चीज आई हुई है. ये क्या है पोजीशन. नाउ व्हाट इज दिस, ये ट्रांसपेरेंट लेयर नजर आ रही है. तो ये क्या है, सिंपल मैंने आपको बता दिया क्या है. ठीक, ये इसका मेन्यू भी आ रहा था, मेन्यू भी डिजाइन करके अलग से कर सकते. तो ये कैसे बनते हैं पॉपअप ओवरलेज, कैसे लेयरिंग होती है, ये मैंने आपको आज सिर्फ एक प्रॉपर्टी बताई है पोजीशन की. अगर आप इसको जरा ग्रास्प अच्छी तरह कर लें तो बाकी पोजीशन की प्रॉपर्टीज भी आपको हजम हो सकती हैं. लेकिन इट्स, मैंने कहा ना कि मुश्किल नहीं है. आई डोंट नो व्हाई स्टूडेंट मे थिंक, नॉर्मली दे थिंक दैट पोजीशन इज डिफिकल्ट. तो पोजीशन को मैं कल कंटिन्यू करूंगा, और इन द मीन टाइम आपको बनाना है YouTube का लेआउट, और उसके बाद मैं देख रहा हूँ कि Amazon का लेआउट भी मजे का है. वैसे मजे का ना, तो इसके बाद फिर तैयार हो जाए. ठीक है यार, क्या मजे की चीजें हैं यार शश के. सो एवरीथिंग इज ऑब्वियसली, एवरीथिंग स्टार्ट्स फ्रॉम वेरी बेसिक. तो आप बेसिक